हाय गाइस, टिकटॉक ने मिनी गेम्स के ट्रायल शुरू कर दिए, बट सिर्फ एक कंट्री में। टिकटॉक ने फिलहाल वियतनाम के कुछ यूजर्स के लिए ऐप के अंदर ही छोटे और इजी गेम्स पेश किए हैं, जो टिकटॉक की गेम्स में दिलचस्पी को जाहिर करते हैं। ये गेम HTML5 पर बने हैं और इन्हें मिनी गेम्स या छोटे गेम्स कहा जा सकता है, ताकि टीनेजर यूजर्स को ऐप पर बिजी रखा जा सके। गेम्स हमेशा ही लोगों को अपनी जानब इंगेज करती हैं और टिकटॉक ने इसी इंगेजमेंट को यूज़ करने का इरादा किया है। टिकटॉक पहले भी गेम स्ट्रीमिंग ऑप्शन इंट्रोड्यूस करता रहा है और अब इसे मजीद एक्सटेंड करने के लिए जिंगा कॉरपोरेशन और डिफरेंट इदारों के गेम्स ऐड किए गए हैं। इसके अलावा जिंगा कॉरपोरेशन के कई गेम्स फेसबुक और दीगर प्लेटफॉर्म पर कई साल पहले काफ़ी फेमस भी थे। फिर इसके बाद टिकटॉक की सेंट्रल कंपनी ByteDance ने भी इस मैदान में कदम रख दिया। अगर आप टिकटॉक का फ्यूचर देखना चाहते हैं तो बिल्कुल टिकटॉक जैसी चाइनीज ऐप डुइन को देखिए, जिस पर सिर्फ चीन में 670 मिलियन यूजर्स हैं और वो 2019 से ही गेम्स पेश कर रही है। डुइन के कई फीचर तेज़ी से टिकटॉक का हिस्सा बन रहे हैं। दूसरी साइड पर ByteDance ने भी टिकटॉक के लिए गेम की तैयारी शुरू कर दी है।